रेपुटेशन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर फाइन। माय नेम इज़ राबिया सलमान एंड हियर आई एम योर कंप्यूटर टीचर। नाउ आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है प्रॉब्लम फाइंडिंग एंड एल्गोरिदम्स के बारे में। तो टुडे इज़ अवर टॉपिक अबाउट रेपिटेशन। इसको कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में लूप भी कहा जाता है। लूप भी कहते हैं और रेपिटेशन भी कहते हैं। रेपिटेशन मीन होता है कोई काम बार बार रिपीट करना, दोहराना। जैसे हम काम को रिवाइज करते हैं, दोहराते हैं, तो सेम इसी तरह कंप्यूटर में एक चीज़ आती है रेपिटेशन। रेपिटेशन की एग्जांपल इस तरह दी हुई है कि सिंपल अगर हम एग्जांपल दें कि आपको कोई बुक चाहिए, ठीक है, इफ़ यू नीड अ बुक, तो आप उसके लिए लाइब्रेरी जाते हैं। अब तो खैर हमारे पास गूगल और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि कोई एक स्पेसिफिक बुक लें, उसमें से मुझे ये टॉपिक जो है ढूंढ के दें और सर्च करें और उसके बारे में आपने लिखना है। आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं है तो आप डेफिनेटली आप लोग जाएंगे लाइब्रेरी जाएंगे। तो अब लाइब्रेरी में वहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो लाइब्रेरियन है वो आपको बताएगा कि बुक अवेलेबल भी है या नहीं है। ऑलरेडी किसी के पास इशू तो नहीं है, अगर वो इशू नहीं है तो वो आपका लाइब्रेरी का कार्ड ले लेगा जो आपके पास होगा। लाइब्रेरी कार्ड लिया, ठीक है, फिर उसने बुक चेक की। बुक चेक करने के बाद वो आपको एक लिमिट बता देगा कि ये बुक आप इतनी देर के लिए, इतने दिनों के लिए अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। बुक लेके आप जो है वो वापस आ जाएंगे। इसमें हम दो चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक तो इसमें कंडीशन लगी, कंडीशन ये लगी कि वट एवर बुक इज़ अवेलेबल और नॉट। पहले तो हमने ये देखना है कि बुक अवेलेबल भी है या नहीं है। फिर सेकेंड कंडीशन ये लगती है कि हमारे एक टाइम लिमिट मिलता है कि इस टाइम लिमिट में आपने ये बुक जो है वो रिटर्न भी करनी है। और सेकेंड जो इसमें पार्ट आता है वो आपका आता है रेपिटेशन का। रेपिटेशन का मतलब ये होता है कि यही चीज़ जो है, हर ये वाला जो रूल है कि आपका लाइब्रेरी कार्ड देना फिर बुक का चेक करना, ये हर जो है जो स्टूडेंट है या हर जो टीचर है जो भी है बुक इशू कराने जाता है उस पर ये रूल जो है अप्लाई होता है। तो डेट इज़ कॉल्ड कंडीशनल एंड रेपिटेशन। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ अवर टॉपिक एंड दिस इज़ आल्सो एंड ऑफ अवर चैप्टर। होपफुली ये आपको चैप्टर इजीली अंडरस्टैंडेबल हो गया होगा और मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको कोई इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकल बेस नहीं है ज़्यादा, ये आपका जो है थ्योरेटिकल बेस है। तो आप इसको अच्छी तरह इसको गो थ्रू करें, इसको पढ़ें और इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक लिए स्टूडेंट अपना ख्याल करें। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।